सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार साल भर में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि जो तंत्र साधकों के लिए होती हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं, जिन्हें हम शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं। इन्हीं 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि में हम जगत जननी माँ आदिशक्ति के 9 रूपों की विधि पूर्वक पूजन अनुष्ठान करते हैं। लोकल 18 से बात करते हुए आचार्य पंकज सावरिया ने बताया कि चैत्र नवरात्रि में माँ जगत जननी के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। माँ जगत जननी की विधि पूर्वक पूजन हवन करने से व्यक्ति के जीवन में आई सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि में अपने घर घट स्थापित कर पवित्र मन से माँ आदिशक्ति का पूजन अवश्य करें। तो आइए आचार्य पंकज सावरिया से ही जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि क्या है। जय श्री कृष्ण, मैं आचार्य पंकज सावरिया। अभी हाल ही में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि हमें मुहूर्त में ही करना, किसी कार्य को करना चाहिए। समय पर यदि हम दवा लेंगे तो फायदा करेगी, नहीं लेंगे तो दवा निरर्थक हो जाती। उसी प्रकार से प्रातः 6:05 से लेकर 10:16 तक सुंदर 4:11 का मुहूर्त है इस बार घट स्थापना के लिए। तो सुबह आप 6:05 से 10:16 तक आपको घट स्थापना करना है। घट स्थापना के लिए सबसे सुंदर पहली बात है, आप पंच पल्लव लाएं, जिसमें आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, उमर का पत्ता, गुलर का पत्ता, और इन 5 पल्लवों को ला करके अपने पास रख लें, इनको स्वच्छ कर लें, साफ कर लें, और बरगद का पत्ता भी रहे साथ में, और इनको ला करके साफ सुथरा कर लें, और एक सुंदर नवीन कलश लाएं, मिट्टी का कलश लाएं, जिनको निष्काम भाव से या किसी सहज कार्य की सिद्धि के लिए, किसी कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं तो आप एक मिट्टी का कलश ला लें, और मिट्टी के कलश में सुंदर उन पंच पल्लवों को पहले उस कलश के ऊपर, एक कलश का जो गला होता है उस पर आप मौली बांध दें, कलश पर स्वास्तिक बना दें, और स्वास्तिक बनाने के बाद आप कलश को गले तक भर दें। उस पर एक सुपारी, एक हल्दी, एक सिक्का, थोड़ा अक्षत, एक पुष्प रख दें, और उसके बाद उन पंच पल्लवों को, आम का, बरगद का, पीपल का, उमर का और गुलर का, ये 5 पत्ते, पंच पल्लव इसको कहते हैं, उसको रख दें। उसके ऊपर एक प्याले पर, एक प्याला अर्थात मिट्टी का ही सकोरा कहलाता है, छोटा कटोरा होता है, उस पर आप कुछ अनाज भर करके उसके ऊपर एक नारियल आप स्थापित करें, और नारियल स्थापित करके, और आप कलश स्थापित हो गया, नीचे आप गौर गणेश की स्थापना करें, और इसके बाद आप सुंदर पूजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही इस बार का पूजन का मुहूर्त है, 6:05 से 10:16 तक आप पूजन करके एक दीपक जला लें, जो कार्य दीप कहलाए। यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, बहुत सुंदर बात है, अखंड ज्योत आप कई चीजों से जलाया जा सकता है, जैसे तिल का तेल है, घी से है, और अन्य कई चीजों से तेल, कई चीजों का दीपक जलाया जाता है, लेकिन आप प्रयास करें कि तिल के तेल का दीपक जलाएं या घी का दीपक जलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। मीठा तेल का भी जला सकते हैं, यदि कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा तो मीठा तेल का दीपक जला लीजिए, और एक छोटा कार्य दीप जला करके माँ भगवती की एक प्रतिमा रख लीजिए, और सुंदर कलश स्थापना करके उसका सुबह शाम पूजन करें, और कलश के चारों तरफ से जवारे आप बो सकते हैं, और नहीं तो आप छोटे छोटे टोकरियों में भी जवारे बोया जा सकता है, और कलश स्थापना करके और सुंदर दोनों समय उसका 9 दिन तक पूजन करें।